देखा कैसे वापस नहीं आएगी परी? उसकी आई की पुकार उस तक नहीं पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटी सी थी मैं जब मेरी आई गुजर गई, तब बाबा ने कहा था सब बप्पा की मर्जी है। पता नहीं बप्पा को मुझसे क्या नाराज किया, पहले तो मुझसे मेरी आई को छीन लिया, फिर मेरी परी को। लेकिन मैं जानती हूँ पापा ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकते। आप लोग देखिए पापा बहुत जल्द परी को वापस भेज देंगे। परी वापस आएगी, जरूर वापस आएगी अपनी आई के पास। इतने सारे लोग, अभी धंधा कहाँ से शुरू करेगी? अब मालूम कैसे चलेगा कि किसके पास उसकी भी जरूरत से जास्ती रोकड़ा है? ज्यादा सोचने का नहीं जरूर, तू अपना काम शुरू कर। आम की चटनी खाने की है ना, ज्यादा कमा। सुनो मेरी बात, माना कि मुंबई में पुलिस आपकी सेवा के लिए हाजिर रहती है, पर उसके साथ चोर, उठाईगिर और पाकिटमार भी हाजिर रहते हैं। आपका सामान अपन खुद देखने का, अगर चोरी हो गया तो बाद में पुलिस को ब्लेम नहीं करने का, समझा? मुहूर्त ही खराब कर दिया स्पोर्ट बोले और ये ने तो सुबह सुबह धंधे की फाट लगा दी है। अब क्या करेगी झिलमिल तू? खास करके एक छोकरी, इतना छोटा 4 फुट। अरे पापा, ये तो मेरा ही हुलिया बता रहे सबको। घुंघरा ले बाल, चेहरा मासूम सा, हाँ पर शक्ल पे मत जाना, उसके उंगली में जादू है। तो याद रखो, ऐसा इंट्रोडक्शन का आपको छोकरी मिले तो सटक से मेरे को इंफॉर्मेशन देने का, ध्यान रखो। आयो सर। अरे शट अप, गोड़ बोले कौन? मी गोड़ बोले, मम्मी बोले। ठीक है सर, आप बोले। सर आपका पंछी किधर है? उधर है। नहीं सर, उधर। अब देखना काका, इस बॉल पे तो पक्का आउट है। बॉल डाल तू, शाम तक तो तू बॉलिंग ही करता रहेगा। बगा बगा क्या कर रहे हो? अरे दीपू रुक, नीट कितनी बार तुम्हें समझाया अंदर मत खेला करो। अरे कोई शीशा टूट गया तो मैं अभी वहीं को बुलाती। अरे अरे तू रुकेगा क्या दीपू? देख नील, तूने बॉल डाली है तो मैं अभी मनीषा को बुलाऊंगी। मनीषा! पापा, पापा, पापा चलिए वहां बैठी। दीपू ध्यान से बॉल। नहीं ठीक है ठीक है, चलिए आइए। अरे क्या हुआ, ऐसा शोर है? भाई नहीं देखो ना, वो प्रतिभा के बाबा को बॉल से चोट लग गई। अरे देवा, सर पे बॉल ही तो लगी है, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया है? सब नाटक है। दीपू सावधान से खेलना चाहिए ना, अब जाओ डॉक्टर को बुला लो। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पापा ऐसे कैसे ठीक है अब? अरे वो खुद डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वो ठीक है तो ठीक ही है ना। जा अंदर जाके उन्हें मरहम लगा। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है बेटा। बाबा चलिए अंदर चलिए। नील देख, बिल्कुल ज्यादा नहीं। आप चलिए बाबा, आप अंदर चलिए 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 मेरे साथ। मैं ठीक हूँ बेटा।
आज तो मजा आ गया। यहाँ देखा सर, यहाँ देखा गावटी, ये तेरे को झिलमिल दिखता है? अयो गुरुजी, वेंकटेशप्पा की कसम हमने यही देखा है। अरे तो गया किधर? हाँ, उसको जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? नो आइडिया सर। आइडिया, किसकी जेब में कितना रोकड़ा है मैं इन दोनों से पता करवाएगी। ए गोड़ बोले, देख इधर है मैं। चल अपन लोग एक खेल खेलते, पकड़न पकड़ाई। क्या कानून के साथ खेलेगी? खैर तेरा ये खेल हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। अय्यर। जी सर। लीड। आ जाओ आ जाओ। एक गोड़ बोले, वैसे किसने भर्ती किया तुम लोग को पुलिस में? एक बच्ची को नहीं पकड़ पाए। अरे इगो पे मारा, अरे इगो पे मारा, अतम माजी सटक ली। ये जिलमिल रुक। हेलो सावधान, अपना अपना बटुआ चेक करो। इससे पहले कि वो 1/2 ने लिया है, तुम लोग अपना बटुआ चेक करो। ये तू मत चेक कर, पुलिस को बदनाम करेगा। अरे है मेरा बटुआ है। मेरा भी है बटुआ। टेंशन। अरे मेरा भी है। अरे मेरा भी है बॉस। मेरा भी है। अरे कैसा मारेगा बटुआ? अरे गोड़ बोले के होते हुए किसी का बटुआ नहीं चोरी हो सकता। चलो भाई लोग, आप लोग मस्त रहो, मैं जाके उस छोकरी को ढूंढता है। अय्यर लीड मी। चल अभी लीड मी। अब बनेगा गेम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। अरे हमारे पास लगता है पैसे सीधे मार लिया। अरे मेरा भी पैसा किसने मार दिया? अरे मेरे भी पैसे किसने मार दिए? टिकट कैसे निकालूंगा अभी? दिखाइए तो मुझे, मुझे देखने दीजिए। अरे बेटा तेरी कसम, देख बिल्कुल मामूली चोट। देख ये मामूली चोट है बाबा। आप चुपचाप बैठिए तो स्नेहा भी दवाई लेकर आती ही होगी। बेटा बहुत चिंता करती है, बिल्कुल अपनी आई की तरह। आई की बेटी तो हूँ इसलिए। तू खुश तो है ना बेटा? हाँ बाबा मैं बहुत खुश हूँ, सब यहाँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस मामले में भी अपनी आई पे गई है। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी। बस बाबा अब आप ज्यादा बातें मत, आ जाओ। ये शायद सूजन आ रही है, बहुत जोर से लगी है। बिल्कुल डॉक्टरों की तरह इलाज कर रही। अब रहने दे बेटा, डिस्पेंसरी जाके मैं अपनी होम्योपैथी ले लूंगा। पापा आप अभी भी डिस्पेंसरी जाते? मैंने आपको मना किया था ना, समझते क्यों नहीं है बाबा? आपकी उम्र हो चुकी है, आप वहां अकेले हैं, मैं भी नहीं हूं वहां। अगर आपको कुछ हो गया तो? उम्र हो चुकी इसीलिए जाता हूँ बेटा, वहां पे वो छोटे छोटे बच्चे आते इलाज के लिए, उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है, अकेलापन भी कुछ कम हो जाता है। और सोचता हूं कि उन्हीं बच्चों में
कहीं अपनी परी भी होगी शायद। ना तो आप परी को भूल पाए हो, ना ही मैं। आज भी मन में ये बोझ है कि उस दिन। नहीं बेटा, ये सब सब नसीब की बात है। फिर मेरे ही नसीब में ये सब क्यों लिखा है बाबा? नसीब को दोष दे रही है। नसीब को दोष देने से, ऐसा दिन रात रोने से ना नसीब बदलेगा और ना परी लौट आएगी। आपकी लड़की ने आपको अब तक चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा होगा। आई वो मैं बातों बातों में, बाबा मैं भी चली। नहीं 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 बेटा, मैं तो बस सुबह एक कप चाय पीता। अच्छा मैं इजाजत लूंगा। बाबा सचिन के आने तक तो रुक जाते। तू समझी नहीं सुन भाई, तेरे बाबा कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, इसलिए वो वापस जा रहे हैं, है ना? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चल स्नेहा, चल काम है वहां, चल। तू अपना दिल छोटा मत कर बेटा, और वैसे भी मैं रिटर्न टिकट लेकर आया हूं बेटा, मुझे तो जाना ही था। मैं जानती हूं बाबा, आप रिटर्न टिकट क्यों लेकर आए। वैसे बाबा आई बहुत अच्छी है, हमेशा परी को याद करती रहती है, बस इसीलिए मन में थोड़ी सी कड़वाहट है। लेकिन मैं जानती हूं जिस दिन मेरी परी इस घर में वापस आ जाएगी ना, आई का गुस्सा, आई की नाराजगी सब दूर हो जाएगी, और फिर वो मुझे मेरे कृष्णा के पास भी जाने देगी। मेरे को अभी भी प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे होंगे, उनको क्या मालूम कि झिलमिल अपना काम करके इधर आ गई है। अरे खाने वाड़ी चलोगे भाई? इतना ज्यादा 50 रुपए में चलोगे? थानेवाड़ी चलोगे? अरे माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं आजूबा, आपने बचा लिया। आजूबा कितना अच्छा लगता है सुनकर, मेरी परी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। देखते हैं इसमें कितना माल है। सिर्फ 20 रुपए खाली? मेरे को लगता है वो बेचारा बहुत गरीब है, लेकिन ऐसे गणपति के टाइम पर पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था झिलमिल, कुछ तो करना होगा अब तुझे। क्या करूं मैं? अरे
पंछी अब नहीं उड़ेगा क्योंकि पंछी अभी सीधा जाएगा पिंजरे के अंदर। ये झिलमिल रेस रेस खेलने का बहुत शौक है ना तेरे को, चल खेलते हैं। भाग भाग। कह रहे अय्यर, क्या बोली थी ये 1/2 छोकरी? अयो सर, बोली नहीं, पूछी थी किस बेवकूफ ने हम दोनों को पुलिस में भर्ती किया। शट अप। कह रहे किस बेवकूफ ने हमको पुलिस में भर्ती किया ना, तेरे को ये गोड बोले बताएगा किस बेवकूफ ने हमको पुलिस में भर्ती किया था। पर मैंने क्या किया है साहब, खाली पीली मेरे को काय को पकड़ रखा है। बच्चे मन के सच्चे ऐसा बहुत सुना था, पर तू तो बहुत झूठी निकली रे लड़की। मैंने अपनी आंखों से इन आंखों से देखा है कैसे तू वो बेचारे डॉक्टर मोहन बाबू के जेब पे से हाथ साफ की। एक गोड बोले साहब, अपनी आंखों का इलाज करवाओ। अरे मैं बटुआ मारी नहीं थी, बल्कि मैं तो बटुआ रखी थी। मैंने पकेट चुरा नहीं था, मैंने पकेट रखा था। कहे गए ये पाकेट मर पैसा निकाल के बटुआ रखता है, ऐसा कभी सुना नहीं था मैंने। अरे पैसा नहीं निकाली है मैं, देखो किधर है पैसा, बोलो ना किधर है। अरे मैं तो पैसा डाल के अजूबा की जेब में रखी थी। तेरे को मैं एड़ा दिखता है? एड़े चौहान तुम लोग। अरे अजूबा की जेब में कुछ नहीं था, मैं उनकी मदद की। अब बताओ ये कोई जुर्म है क्या, जेब काटना कानून तोड़ना, पर जेब में पैसा डालना? बोलो साहब, अब बोलो।